गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 11th वी हैव डिस्कस द लास्ट टॉपिक वर्क. व्हाट इज वर्क एंड हाउ द वर्क कैन बी पॉजिटिव, हाउ द वर्क कैन बी नेगेटिव, हाउ द वर्क कैन बी जीरो. तो इन सभी केसेस के बारे में हमने स्टडी किया था. हमने बताया था वर्क क्या है. व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस दैट बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, देन वर्क इज सेट टू बी डन. और वहाँ पर हमने उसके स्पेशल केसेस में पढ़ा कि वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है और जीरो कब हो सकता है. ठीक है, तो उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अवर कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? दैट फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. तो वहाँ पर हम कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बता सकते हैं. ए फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव बोल सकते हैं इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स, यानी जो वर्क डन करना पड़ेगा फोर्स के अगेंस्ट या फोर्स के द्वारा. इन मूविंग ए बॉडी, अगर किसी बॉडी को मूव करवाना है ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, जो डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर बॉडी के, एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वो डिपेंड ना करे कि उसने कैसा पाथ फॉलो किया है, लीनियर पाथ फॉलो किया है, सर्कुलर पाथ फॉलो किया है, पैराबोलिक पाथ है या हाइपरबोला है, कैसा भी पाथ हो उसके ऊपर डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. तो एग्जाम्पल है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स इन ए स्प्रिंग है, यानी जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे जो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर के बीच में लगते हैं, दोज ऑल फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. तो हम उनको सभी को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स. वो डिपेंड करेंगे हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर. ठीक है, अगर मान लिया, मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ, अगर मैं किसी भी बॉडी को एक हाइट h तक लेके जाना चाहता हूँ, चाहे मैं उसको डायरेक्ट लेके जाऊँ, तो वो वर्क डन होगा वहाँ पर, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर. या मैं उसको स्टेयर से, जैसे सीढ़ियों से एक मकान के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो अर्थ से कितनी हाइट पर आ गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि हम उसको किस पाथ से लेके आए हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यहाँ पर हमारा ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर किसी बॉडी को हमने रख दिया, उसका वेट क्या करेगा? हमेशा नीचे की ओर लगेगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको ए से बी तक डायरेक्ट लेके जाऊँ, तो एच हाइट तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटी वो क्या होगा हमारे पास? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा. चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट लेके जाऊँ, या मान लेता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर इसको ऐसे दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे ऐसे लेके जाऊँगा, तो वो केवल कितनी हाइट पर लेके गए उस हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि हम किस पाथ से उसको उस हाइट तक लेके जाते हैं उसके ऊपर. ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे वर्क डन देखें किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रही है, तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा वहां पर? एंगल क्या होगा? जीरो डिग्री. और फोर्स किसके इक्वल लगेगा? जो वेट है बॉडी का, यानी एम जी के इक्वल होगा. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एच. तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एम जी एच. और कोस एंगल क्या होगा वहाँ पर? जीरो डिग्री. और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन. तो हमारे पास वन इंटू समथिंग क्या होगा? समथिंग दैट इज वर्क डन क्या होगा? हमेशा एम जी एच के इक्वल ही रहेगा वहाँ पर, उसके वर्क डन में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये था हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स. नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वो फोर्स जहाँ पर वर्क डन है वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है. फॉर एग्जांपल, ए फोर्स इज सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कि उन दो पॉइंट से, मान लिया कि हमें किसी भी एक पॉइंट से एक बॉडी को उठाकर कहां पर लेके आना है? बी पोजीशन पर. तो हमें मान लिया इस पाथ L1 से लेके आते हैं, तो हमारे पास हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट. तो वहां पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसकी फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है वहां पर, एटसेट्रा. फिर अगर हमें
बी से वापस ए तक लेके जाते हैं, तो हमें फिर उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लिख देता हूँ, एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आता है, ठीक है। वहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा हर केस में, जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके आते हैं ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मशीन है, वो कितना वर्क कर सकते हैं कितने टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड पावर। तो हम पावर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क, कि कोई भी बॉडी है वो कितना वर्क कर सकती है कितने टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं उसकी पावर। तो पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमारे पास वर्क डन बाय में टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, पावर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा काम कर देता है कम टाइम के अंदर, तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। अगर कोई काम थोड़ा करता है, टाइम ज़्यादा लेता है, तो उसकी पावर क्या होगी, कम, ठीक है। तो वहाँ पर पावर को लिख सकते हैं वर्क डन बाय में टाइम। अगर स्मॉल वर्क डन है स्मॉल टाइम के अंदर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर स्मॉल टाइम है, डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी। तो हम फोर्स इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पावर के लिए दो फॉर्मूले हो गए, वर्क डन बाय में टाइम, और दूसरा क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारा पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी की फॉर्म में भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय में टाइम है, वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है फोर्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था एम वन एल वन टी माइनस टू। कैसे आया था, फोर्स क्या था हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमें पता है मास के लिए एम वन, एक्सेलरेशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर, मीटर क्या है, लेंथ की डायमेंशन है, तो एल वन रख दिया, और टाइम की डायमेंशन क्या है, सेकेंड स्क्वेयर, तो सेकेंड को ऊपर लेके जाएं तो टी की पावर माइनस टू, ठीक है। जब इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एल की पावर टू हो जाती है। तो हमारे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू, और बाई में टाइम है, तो टी की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, एम वन एल टू टी माइनस थ्री, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। और यूनिट क्या होती है पावर की, वर्क डन, या पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क डन को हम जूल में लिख सकते हैं, टाइम को सेकंड में, जूल पर सेकंड बोल दे या उसको वाट बोल दे, ठीक है। तो पावर को किस में मापते हैं, वाट में। अब बात करते हैं, डिफाइन क्वेश्चन आ सकता है, पावर को क्या लिखते हैं बेटा, वाट में, ठीक है। और क्या होता है, वर्क डन बाय में टाइम, पावर को किस में मापते हैं, वाट में, और जो वर्क को किस में मापते हैं, जूल में, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, डिफाइन वन वाट ऑफ पावर, तो हम यहाँ पे वन लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो, डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है, पावर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन वाट when he does one joule of work in a time of one second। तो पावर को हम one watt बोल सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट one joule work करे in a time of one second, then the power is said to be one watt, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपने नाइन्थ क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में स्टडी किया है। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करोगे, तो आप इसको कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी दिए होते हैं बुक्स के अंदर, आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।